आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर्स आई, सेट ऑफ इंटीजर क्या दे रखा है आपको, आई दिया हुआ है, ओके, एंड द ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन फॉर्म ए ग्रुप। यानी आपको अब की बार जो सेट दे रखा है आई के अंदर जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो दुनिया के सारे एलिमेंट होते हैं, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। बट इसके अंदर एक बटे दो, दो बटे तीन, तीन बटे चार टाइप का कोई एलिमेंट नहीं होता। इस तरह के एलिमेंट इस सेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते? उसका रीज़न ये है कि ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर के अंदर पॉइंटेड वैल्यू वाला रिजल्ट नहीं होता है, ओके। आपको दिखाना है दिस फॉर्म ए ग्रुप, वी नो दैट ऑपरेशन आपका दे रखा है, वी नो दैट आई इज ए ग्रुप, आई ग्रुप होगा इफ आई क्या रखता हो, आई हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, पहले वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है बेटा ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है, बी अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी भी ग्रुप का एलिमेंट हो, ओके। ये तो पहले से ही दे रखा है। नाउ ए स्टार बी का मतलब यहाँ है कितना, ए प्लस के बी प्लस के वन बिलोंग्स टू जी, इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले से ही दी हुई है। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं भाई, ओके। नंबर टू एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो ये होती है कि अगर ए बिलोंग्स टू जी है, बी बिलोंग्स टू जी है, सी बिलोंग्स टू जी है, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ओके। देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो यहाँ से मेरे पास है ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है ए प्लस के बी प्लस वन, ऑपरेशन लगाता हूँ बेटा। तो यहाँ मेरे पास कितना निकल करके आएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, गलती करती है, बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। ए स्टार बी की वैल्यू देखो बेटा, ए प्लस के बी प्लस के वन स्टार कितना सी। अब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, कंसेप्ट है कि पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जोड़ करके प्लस वन कर दो, पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जोड़ करके प्लस वन कर दो, पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जोड़ो, पहला एलिमेंट ए प्लस बी प्लस वन के साथ दूसरा एलिमेंट जोड़ करके प्लस वन कर दो, कितना निकला ए प्लस के बी प्लस सी प्लस के टू। इधर देखता हूँ, इधर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू डालो कि सर बी होना चाहिए प्लस के सी होना चाहिए प्लस के वन, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस के वन। अब ए स्टार ये पूरा एलिमेंट बी हो चुका, इसके अंदर भी कंडीशन लगाओ कि सर पहला एलिमेंट प्लस के दूसरा एलिमेंट जो कि बी प्लस सी प्लस वन है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट प्लस के वन, कितना निकल गया बेटा ए प्लस के बी प्लस सी प्लस के टू। एसोसिएटिविटी तो पास हो चुकी, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आ चुके, कोई डाउट ही नहीं है। आइडेंटिटी की बात करता हूँ, स्टेप नंबर थर्ड आइडेंटिटी, आपको जो ऑपरेशन दे रखा है कितना दे रखा है, ए स्टार बी बराबर आपके पास ए प्लस के बी प्लस के वन, ये है ना। आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है
कि ए ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, ई भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए और ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, यही आना कंसेप्ट। चलो भाई ए स्टार ई की वैल्यू देखता हूँ। ए स्टार ई डेफिनेशन है, ए स्टार बी यानी पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस वन, यहाँ क्या होगा भाई, पहला एलिमेंट प्लस के दूसरा एलिमेंट प्लस के वन, डेफिनेशन से बराबर क्या आना चाहिए, ए के आना चाहिए। ओके रिजल्ट कितना निकला, ए प्लस के ई प्लस वन बराबर किसके हो, ए के। ई प्लस वन बराबर ए माइनस के ए, ई प्लस वन बराबर ज़ीरो, ई बराबर ज़ीरो माइनस वन, ई बराबर निकल गया माइनस वन। क्या माइनस वन बिलोंग टू आई नहीं है क्या, सेट ऑफ इंटीजर नहीं है क्या, इसका एलिमेंट नहीं है क्या, वही कह रहा हूँ ई इज इक्वल टू माइनस वन बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, ग्रुप का एलिमेंट बिलोंग टू द जी, आइडेंटिटी पास। इनवर्स की बात करते हैं, डेफिनेशन होती है कि ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है, बी अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो बी क्या होगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए, डेफिनेशन तो ये है। और ई मेरे पास कितना है बेटा, ई इज इक्वल टू आ रहा है मेरा माइनस का वन, ऑपरेशन लगाता हूँ, ए स्टार बी कितना है बेटा, ए स्टार बी का रिजल्ट दे रखा है ए प्लस बी प्लस वन, कितना दिया हुआ है, ए प्लस के बी प्लस वन बराबर किसके होना चाहिए, माइनस वन के होना चाहिए। निकालो यहाँ से बी की वैल्यू, ए प्लस के बी बराबर माइनस वन माइनस वन, बी बराबर माइनस टू माइनस ए। अब एक बात बताओ, माइनस के टू माइनस ए, एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाया, घटाने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, कुछ तो बचेगा। अगर पॉजिटिव बच गया सेट का एलिमेंट है, नेगेटिव बच गया सेट का एलिमेंट है। और एक बात बताओ, अगर आप पूर्णांक के अंदर से पूर्णांक घटाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि पॉइंटेड वैल्यू में रिजल्ट आता, अब अगर तो पूर्णांक ही है ना। सोच करके देखो आप, किन्हीं दो पूर्णांकों के अंदर से, इंटीजर्स के अंदर से आप इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करो, आपके पास ऐसा नहीं निकल हो सकता कि रूट टू आ जाएगा, करके देख लो आप। या एक बटे दो के अंदर से माइनस दस करो, ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस के बीस आ जाए, नो। पूर्णांक के अंदर से पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक ही निकलता है। सपोज दैट आपस में घटाने पर मान लिया बी निकल गया, या आप मेरे नाम से मान लो जेड निकल गया, ओके ये पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले, निकला तो पूर्णांक ना। क्या पूर्णांक किसके अंदर पहले से नहीं रखा हुआ आई के अंदर, बिलोंग टू द आई, नो प्रॉब्लम। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट आई इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, किस पे ग्रुप है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस के बी प्लस वन के ऊपर, हेंस प्रूफ। डाउट हो तो पूछ लो भाई, आई विल हेल्प, तुम्हारी हेल्प के लिए तो बैठा हुआ हूँ ही। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है बेटा कि आपको कह रहा है कि वेरी इजी क्वेश्चन। अब की बार अगले वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। शो दैट द सेट ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है कि सर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। मेरे पास कोई एक सेट है, सॉल्व करने जा रहा हूँ, कोई भी एक सेट है, सपोज दैट जी एक सेट है, जी के अंदर एलिमेंट है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एम क्रॉस एन के, सपोज दैट ए बी सी डी उसके एलिमेंट है, दो क्रॉस दो का ले लिया मैंने, कह रहा है कि एन क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स का सेट है, ये लो भाई, और ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब निकलता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान शून्य ना हो। एक एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, दो क्रॉस दो का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लिया आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला, 4 - 2 × 3 कितना निकला, 4 - 6 बराबर कितना, -2 नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा हुआ, नॉन सिंगुलर। ओके यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का मान शून्य ना हो, फिर बोल रहा हूँ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का मान शून्य ना हो नॉन सिंगुलर कहलाता है। आपको मैट्रिक्स सेट ऑफ द मैट्रिक्स दे रखा है एन क्रॉस एन का, जो कि नॉन सिंगुलर का सेट मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर कंडीशन ये लगा रखी है कि भाई कभी भी ए डी माइनस के बी सी, जो इसका डिटरमिनेंट है, ए डी माइनस बी सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पहली कंडीशन तो ये है। कहना चाह रहा है सेट उसके रियल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। मैं रियल क्यूब की बात करूँगा,
इसके ऊपर और कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप खुद से ट्राई करना। ओके मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी और डी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है आप इस चीज़ को जानते हो, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दुनिया के सारे एलिमेंट उल्टे सीधे, एक बटे दो भी, अनरूट तीन भी, अनरूट चार भी, एक बटे पाँच भी, दशमलव जीरो जीरो वन भी, पाई भी, लोग भी, सब दुनिया के सारे एलिमेंट। इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट तो सारे आते हैं लेकिन इंटीजर ही आते हैं, ठीक है ना, फर्क ये है। इसके अंदर सारे हर तरह के एलिमेंट आते हैं और यहाँ से यहाँ तक है। अब एक बात बताओ भाई, पहले मेरे को दिखाना है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर वन प्रॉपर्टी मेरे को दिखानी है, नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी। काउंटर एग्जांपल मैंने टू क्रॉस टू का लिया है भाई, जाहिर सी बात है, मान लिया जाए मेरे पास एक सेट है, सेट का एक एलिमेंट है, ये मेरे पास है ए बी सी और डी, सपोज दैट ये ग्रुप का एलिमेंट है। एक मैंने दूसरा मान लिया, मान लिया जाए ये हुआ ए वन बी वन सी वन और डी वन। ओके क्लियर है ना, ये भी ग्रुप का एलिमेंट है। ऑपरेशन आपको दे रखा है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, आप अगर ए बी निकालते हो ध्यान से देखना कैसा आएगा, ए इंटू बी कितना निकला आपके पास, ये हुआ ए बी सी डी इंटू ए वन बी वन सी वन डी वन। सोच करके देखना आप, सोचने वाला सब्जेक्ट है, गुणा करो आप कितना निकला, इधर से ये, इधर से ये, ए ए वन प्लस इसकी गुणा इसके साथ बी सी वन, फिर इसकी गुणा इसके साथ ए वन सी प्लस इसकी गुणा इसके साथ सी वन डी, ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे और ऐसे, ए बी वन प्लस बी डी वन और सी बी वन प्लस डी डी वन। अब इनको सोचो, ये रियल नंबर, रियल नंबर का गुणा भाग प्लस माइनस सारा रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर एक निकल करके आएगा, सपोज दैट पी निकल गया, ये पूरे का पूरा रियल नंबर कितना निकल गया, सपोज दैट पी निकल गया, ये पूरा रियल नंबर, दो रियल नंबर का गुणा रियल नंबर, फिर अगले दो रियल नंबर का गुणा रियल नंबर, फिर दोनों को जोड़ने पर सपोज दैट क्यू निकल गया, ये रियल, ये पूरे का पूरा रियल नंबर सपोज दैट आर निकल गया, और ये पूरे का पूरा रियल नंबर सपोज दैट एस निकल गया, निकल गया ना। जिस तरह का ये एलिमेंट है, ये चारों कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं, मैं कह रहा हूँ ना ए बी सी डी, तो उनकी गुणा भी तो रियल नंबर ही होगी, दो क्रॉस दो का ही निकला, क्या कहोगे आप, बिलोंग टू द जी, सीधी सी बात है, कोई डाउट ही नहीं है। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं भाई, आपको जो मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स मैंने क्या माना है, आपके पास जी सो सेट है वो ये है, ए है बी है सी और डी, देखो ध्यान से आप, ए बी सी डी, और कंडीशन क्या है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कंडीशन है ए डी माइनस के बी सी बराबर नहीं है जीरो के। अब आपको दिखाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव दिखाना है आपको। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि भाई, एसोसिएटिव का मतलब है अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, सी भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे रखा है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए भाई कि सर, यहाँ होना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी बराबर होना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी के। चलो भाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर आपने पहला मैट्रिक्स मान लिया ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स बी कितना मान लिया आपने, मान लिया ए वन बी वन सी वन डी वन, तीसरा एलिमेंट सी कितना मान लिया आपने, और ए थ्री बी थ्री और ये सी थ्री और ये डी थ्री। आप इनकी चाहे कैसे भी गुणा कर लो, ओरली बता रहा हूँ के बारे में, ए इंटू बी और फिर इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी आना चाहिए आपके पास। एक बात बताओ भाई, पहले वाले मैट्रिक्स की गुणा करोगे आप, आपके पास है ए बी सी डी, इसकी गुणा करोगे आप दूसरे मैट्रिक्स के साथ में जो कि है ए वन बी वन सी वन और डी वन। ओके भाई, कुछ तो निकल करके आएगा ना मैट्रिक्स, कुछ भी निकल करके आ, चाहे कुछ निकला, लेकिन दो मैट्रिक्स का गुणा करने के बाद कुछ तो निकल करके आएगा। मान लिया पी क्यू आर एस निकल गया, ओरल बता रहा हूँ, पी क्यू आर एस निकला, फिर उस मैट्रिक्स का गुणा आप सी सी वाले के साथ करो, सी वाले के साथ करो आप, सी वाला क्या है, यह है ए थ्री बी थ्री सी थ्री और डी थ्री,
भाई दोनों मैट्रिक्स का गुणा करोगे आप, कुछ तो निकलेगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ ना निकले। जो भी निकलेगा, सपोज दैट ये निकल गया, ये निकल गया पी वन क्यू वन आर वन और एस वन। अब यहाँ सोच करके देखो आप, मैंने इनका कैलकुलेशन नहीं किया, आपको डायरेक्ट आइडिया दिया। पहला एलिमेंट दो मैट्रिक्स का गुणा, दोनों का गुणा कुछ तो निकलेगा, मान लिया ये निकल गया। फिर इसके साथ तीसरा मैट्रिक्स है उसका गुणा किया, मान लिया गुणा करने के बाद गुणा भागनी करनी ये निकला, सपोज दैट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पी क्यू आर एस ये रियल नंबर नहीं है क्या? और क्या ये एलिमेंट इस तरह के एलिमेंट नहीं है क्या? बिलोंग टू जी नहीं होगा क्या? अब आप इधर से गुणा कर लो, जब आप दो मैट्रिक्स का गुणा करोगे कोई मैट्रिक्स निकल करके आएगा, उसका तीसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे 100% कोई मैट्रिक्स निकल करके आएगा। और वो जो मैट्रिक्स होगा ना बेटा, वो भी इसी तरह का होगा, पी वन क्यू वन आर वन एस वन। आप गुणा करके देखो, डाउट होगा मेरे से पूछो, इन दोनों की गुणा करो, फिर तीसरे के साथ गुणा करो, फिर पहले इन दोनों की गुणा करो, तीसरे के साथ, दोनों तरफ से रिजल्ट 100% सेम निकल करके आएगा। और मैं कहूँगा कि बिलोंग टू द जी है, यानी एसोसिएटिविटी पास हो जाएगी। ओके, करके देखना आप सुकून से बैठ करके, डाउट होगा तो मेरे से पूछना। आइडेंटिटी की बात करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी की भाई? आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है और ई भी ग्रुप का एलिमेंट है तो ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब सोच करके देखो आप, आपके पास जो एलिमेंट है वो किस तरह का है? वो एलिमेंट आपके पास ग्रुप का, मैंने मान रखा है ए बी सी डी टाइप का एलिमेंट है। ओके, समझने की कोशिश करना, इस एलिमेंट को की गुणा आप किसी दूसरे मैट्रिक्स से करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स उठा लो आप, मान लिया जाए आपने उठा लिया ये P, ये Q, ये R और ये S, आइडेंटिटी निकाल करके दिखा रहा हूँ। डेफिनेशन से क्या आना चाहिए आपके पास? लौट करके क्या आना चाहिए? लौट करके A ही आना चाहिए, A, B, C, D आना चाहिए। P, Q, R, S की वैल्यू निकालूंगा। गुणा करो भाई आप, बहुत लंबी चौड़ी गुणा है, दूसरे तरीके से बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी, 20 मिनट की कैलकुलेशन हो जाएगी, दूसरे तरीके से करते हैं। आपका मैट्रिक्स क्या है भाई? आपका मैट्रिक्स है ए सी डी डी। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था? फिर बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स के अंदर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था 1 0 0 1। करके देखते हैं, गुणा देखता हूँ क्या आता है। बराबर इधर से रो इधर से कॉलम कितना निकल गया? इधर से रो इधर से कॉलम ए इंटू वन प्लस ज़ीरो इंटू बी, इसकी गुणा इसके साथ सी वन प्लस डी ज़ीरो निकल गया ना इधर से ऐसे। अब इसकी गुणा इसके साथ 0a प्लस 1b, अब इसकी गुणा इसके साथ 0c प्लस d1 निकल गया ना। कितना निकल कर क्या है? सोच करके देखो हिसाब, पहला तो निकला a, ये तो 0 हो चुका, ये निकला मेरे पास b, तीसरे वाला निकल गया c, चौथे वाला निकल गया d। उस पर उससे आइडेंटिटी निकालने से बढ़िया मेथड है, ध्यान से देखना बेटा। यानी मैंने एक एलिमेंट को a b c d को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करा, 1 0 0 1 से गुणा करा, लौट करके मेरे पास वही ना आया ना, यानी ये कंसेप्ट पास होएगा, ये कंसेप्ट पास होएगा। तो आइडेंटिटी क्या है? E बराबर कितना निकल कर के आया मेरे पास? E बराबर निकला मेरे पास 1 0 0 1। एक बात बताओ, क्या ये ग्रुप का एलिमेंट है? नहीं क्या? ध्यान से सुनना, क्यों है और क्यों नहीं है। अब की बार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर यहाँ तो ए और ज़ीरो, यहाँ तो ए सी बी और डी है, जबकि आप तो जितने भी लेक्चर्स 20 लेक्चर्स के अंदर आपने ये बताया कि उसी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। अब सोचो आप, ए बी सी डी कहाँ से आ रहे हैं? ए बी सी डी रियल नंबर है ना, और रियल नंबर के केस में क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं होता क्या? ये दोनों के दोनों रियल नंबर नहीं है? सोच करके देखो आप, क्या 1 बिलोंग टू रियल नंबर नहीं है? क्या 0 बिलोंग टू रियल नंबर नहीं है? है ना, वो एक अलग बात है। आप इनको दूसरे तरीके से ट्रीट मत करो, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, हो गया ना रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। कंसेप्ट लगाओ, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, करके देखो आप, 1 × 1 माइनस 0 × 0 बराबर कितना निकला? 1, नॉट इक्वल टू जीरो, 100% पास। अर्थात ये जो एलिमेंट है इस ग्रुप का एलिमेंट है, बिलोंग टू द जी हो चुका है। इनवर्स की बात करते हैं, कोई डाउट नहीं बिल्कुल भी, इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं। इनवर्स तो बहुत आसान है यार,
क्या जानते हो आप ए इनवर्स क्या होता है भाई? ए इनवर्स बराबर ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना। ओके सोचो अब अगर मैं इनवर्स की बात करूँगा, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ बेटा, ये वेरी बेस्ट मेथड। आपके पास सपोज दैट यही मैट्रिक्स दे रखा है ए, और इस ये एक एलिमेंट दे रखा है आपको ए, ये वाला एलिमेंट क्या है ए बी सी और डी, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे, फार्मूला तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है ए डी माइनस के बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिटरमिनेंट इसका कुछ ना कुछ है। जब दो क्रॉस दो का कोई मैट्रिक्स है तो इसका कोई ना कोई तो इन्वर्स निकल करके आएगा, कोई ना कोई तो निकलेगा ना, सोच करके देखो ओनली आप, कोई ना कोई जो इन्वर्स निकल करके आएगा। अब आप सोचो रियल नंबर का गुणा, रियल नंबर का भाग, रियल नंबर का प्लस, रियल नंबर का माइनस, सारे रियल नंबर होते हैं तो कैसे बिलोंग टू जी नहीं करेगा यार ये, सोच करके देखो आप ए इनवर्स बिलोंग टू जी कैसे नहीं होगा। एक तरीका तो ये है, ओरली सोच करके देखो आप, भाई मेरे पास दो क्रॉस दो का मैट्रिक्स है, चलो ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, चलो मैंने मान ली, मैं ये यहाँ तक भी तैयार हूँ। अब भाई मेरे को इसका इन्वर्स निकालना है, दो क्रॉस दो का इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है बेटा, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा, इसका इन्वर्स जो निकल कर के आएगा डिटरमिनेंट तो होएगा ये एक बटे ए डी माइनस के बी सी, इन दोनों का निशान बदल दो, इन दोनों को बदल दो, ये तो होएगा डी, ये होएगा ए, ये होएगा माइनस के सी, ये होएगा माइनस के बी, ये इसका इन्वर्स निकल गया, ये आया इस एलिमेंट का इन्वर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, सोच करके देखो, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर का गुणा, रियल नंबर का भाग, रियल नंबर का जो भी कुछ है वो रियल नंबर नहीं होगा क्या? अब अंदर लेकर के जाओ इसे, ए इनवर्स की बात करते हैं, ए इनवर्स कितना निकला, यहाँ से सोच करके देखो, डी बटे ए डी माइनस के बी सी माइनस सी बटे ए डी माइनस के बी सी, यही निकल रहा है ना, यहाँ क्या निकल रहा है माइनस बी बटे ए डी माइनस के बी सी और ए बटे ए डी माइनस के बी सी, ये निकला ना आपका इन्वर्स। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो मैट्रिक्स है इस टाइप का नहीं है क्या? मैं तो कहूँगा सर बिल्कुल है। कहोगे क्यों भाई? रियल नंबर को डिवाइड कर देंगे, कोई ना कोई तो रियल नंबर निकल करके आएगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई ना नंबर निकले। सपोज दैट ये निकल गया एस, रियल नंबर को गुणा करा, रियल नंबर का गुणा करा फिर भाग करा, कोई ना कोई तो रियल नंबर निकला, सपोज दैट आर निकल गया, सपोज दैट ये पी निकल गया, सपोज दैट ये क्यू निकल गया, क्या ये बिलोंग टू द जी नहीं है क्या? सोचो आप, आपके सामने है रिजल्ट, सो दैट दिस इज द ग्रुप। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके।